नमस्कार, मैं माही पठान। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। शमशेर खान की खास खबर पर एक नजर। पेड़ गिरने से केसलवाड़ा रोड बंद। हवा तूफान से 20 से 25 पेड़ गिरे। 4 से 5 पोल पर पेड़ गिरने से गांव की बिजली बंद। भंडारा के केसलवाड़ा गांव में तेज हवा तूफान से 20 से 25 सागवन के पेड़ जमीन दोस्त हुए। भंडारा शहर के केसलवाड़ा गांव में 20 से 25 पेड़ आए तूफान और तेज बारिश से गिरने की जानकारी मिली। इस सनसनी घटना से गांव में हलचल सी मच गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 29 जून 2020 को तकरीबन 4 से 5 बजे के दौरान हवा तूफान के साथ जोरदार बारिश होने लगी। केसलवाड़ा रोड पर लगे 7 से 8 पेड़ बिजली तार पर गिरे, जिससे बिजली के खंभे टूट गए और गांव की बिजली गुल हो गई। हालांकि इस घटना में किसी की जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस हवा तूफान से पेड़ गिरने के कारण बिजली के तार व पोल टूट गए हैं। शशिकांत नामदेव आकर कशा प्रकारे घटना घडलेली आहे आणि किती झाड पडले? नैसर्गिक म्हणजे वादळ आले त्याच्यामुळे घटना आलेली आहे। किती झाड पडलेले आहे? कमीत कमी 20 ते 25 झाड पडलेले आहेत। आणि काय झालेलं आहे? आडव्या रस्त्यावर पडल्यात पूर्ण झाड, नंतर वीज वगैरे सर खांब तुटले त्याच्यामुळे। कोणाला जनमाचं नुकसान झालेलं आहे? ना, जनमाचं कोणी नुकसान झालेलं नाही, सर्व सुखरूपात। खेत में लगे पेड़ भी पूरी तरह से जमीन धस्त हो गए, जिससे चल रहे किसान के कामों में रुकावटें निर्माण हो रही है। एक बड़ी सोच यह निर्माण होती है कि इस आकस्मिक घटना में एकाएकी 20 से 25 पेड़ गिरना सोच के परे है। इस हवा तूफान से ज्यादा तौर पर सागवन के पेड़ गिरे हैं। घटना स्थल पर पहुंच इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के कर्मचारी पोल पे गिरे पेड़ को हटाने का कार्य कर रही है। इस घटना से गांव में हलचल सी मच गई है। अचानक घटी इस घटना से केसलवाड़ा गांव में पेड़ तथा पोल गिरने से सनसनी मची है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज की रोजाना खबरों के लिए यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और गूगल प्ले स्टोर से बीएस क्राइम इंडिया न्यूज ऐप को डाउनलोड कर रोजाना खबरों के लिए हमसे जुड़े रहे।